जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 168 केंद्रों पर 12,970 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,581 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,389 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को 168 केंद्रों पर 12,970 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि जो लोग अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगवाए हैं, वे टीका अवश्य लगवा लें। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रथम डोज लगवा कर दूसरी डोज नहीं लगवाए हैं, वे भी अपना दूसरा डोज लगवा ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 168 जगहों पर वैक्सीनेशन हुआ, कुल 13,000 डोज लगाए गए। अभी तक हमने 32,30,000 से ज्यादा डोज लगाए हैं, उसमें से 23,42,000 फर्स्ट डोज और 8,77,000 से सेकेंड डोज लगाए हैं। अभी भी हमारे जनपद में काफी लोग फर्स्ट डोज से वंचित हैं, करीब 10,00,000 के आसपास फर्स्ट डोज से वंचित है। सबसे अपील है कि हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। सब लोग अपना अपना अपने अपने घर के पास जो भी अस्पताल पड़ता है उस पर जाएं और अपना वैक्सीनेशन कराएं। और साथ ही साथ सेकेंड डोज के भी काफी लोग ऐसे हैं, 2,00,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जिनका 84 दिन पूरा हो गया है कोविशील्ड से और 28 दिन पूरा होगा कोवैक्सीन से, तो इन जिनका भी ओवरड्यू हो गया है वो हमारे केंद्रों पर आए और अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि कोविड से पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित हो जाए और कोरोना को अपने जिले से दूर भगा सकें।